महंगाई दीमक की तरह खा रही है। कभी सोचा है आपने, एक नारी अपने अरमान किसी खाली बर्तन में छुपाकर इस बढ़ती महंगाई में कैसे घर चलाती होगी? कैसे एक पिता पाई पाई जोड़कर यहाँ वहाँ से कर्ज लेकर बच्चों की शिक्षा में झोंक रहा है, कर्जदार हो रहा है? क्यों? कभी सोचा है आपने, दर्द पलकों में दबाकर इलाज, समाज, रिवाज, ये सब कैसे निभा लेते हैं आप? जरा सोचिए कि ये भाजपा सरकार, जिस पर आपने 15 सालों तक भरोसा किया, उसी ने आपको आज महंगाई के बोझ तले दबा दिया। बस कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे, ये 15 साल पुरानी बात करेंगे। आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना, ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना, ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना, ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना, ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना, ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। दीदी, अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया, ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में। सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया। भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र शपथ पत्र के रूप में जारी किया है। शपथ पत्र में जहां किसानों के कर्ज की छूट की बात कही है, वहीं बेरोजगारी भत्ता 3,000 रूपए तक बढ़ाने के साथ शपथ पत्र में पूर्ण शराबबंदी की भी बात कही है। आम आदमी पार्टी के शपथ पत्र में भाजपा कांग्रेस की तरह किसान, महिला, युवा और रोजगार पर फोकस किया गया है। खास बात यह है कि कांग्रेस और सपा के बाद आप ने भी किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने 100 रूपए के स्टाम्प पर घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने घोषणा की है कि किसानों का पूर्ण कर्ज माफ किया जाएगा। इस मौके पर गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी को घोषणा पत्र जारी करने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। आपके संयोजक आलोक अग्रवाल ने कहा, एमपी की जनता को आपने विकल्प दिया है, बीजेपी कांग्रेस को सबने देखा, अब आपका काम देख लें, फिर सरकार की तुलना करें। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक आलोक अग्रवाल और आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार आलोक अग्रवाल जी। आइए हम बात करते हैं, चुनावी घोषणा पत्र आज ने जारी किया, शपथ पत्र बोला जा रहा है, क्या है सर? सर देखिए, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ कि हमने शपथ पत्र बोला है, घोषणा पत्र नहीं। हमने 100 रूपए के स्टैम्प पर एफिडेविट देख करके कहा। पिछले सारे चुनाव का अनुभव है कि चुनाव के पहले सारी पार्टियां तमाम तरह की वादे करती हैं और चुनाव के बाद भूल जाती हैं और जनता ठगी सी रह जाती है। कहा जाता है 15 लाख रुपए आएंगे, 100 दिन में आएंगे और बाद में जुमला बता के छोड़ दिया जाता है, ऐसे तमाम घोषणाएं होती हैं। इसलिए हमने अपना शपथ पत्र के रूप में घोषणा की है और हम ये भी चुनौती दे रहे हैं शिवराज सिंह जी को और कमलनाथ जी को कि वो जो उन्होंने वचन पत्र और दृष्टि पत्र दिया है, अगर वो शपथ पत्र के रूप में नहीं दे रहे तो वो सिर्फ कागज का पुलिंदा है और जनता फिर देखती रह जाएगी, वो केवल कागज पर लिखी कुछ इबारतें रह जाएंगी।
आपके वचन पत्र आपके ये घोषणा पत्र में रोजगार की व्यवस्था दिखाई गई है, 2000 रुपए महंगाई भत्ता। आप रोजगार देने की बात करें, जैसे 15 लाख से 23 लाख का 23 लाख युवा बेरोजगार हो गए हैं, तो उसके बारे में क्या कहते हैं, कैसे रोजगार? देखिए, हमने कहा है कि भारतीय संविधान में जीने का अधिकार मूलभूत अधिकार है, और जब तक रोजगार का अधिकार ना हो तो जीने के अधिकार का कोई अर्थ नहीं रहता है। तो इसलिए हमने कह रहे हैं कि हम सरकार सभी के लिए रोजगार सुनिश्चित करेगी, और जब तक रोजगार सुनिश्चित नहीं करेगी 3000 रुपए महीने का भत्ता दिया जाएगा। तो सभी को हम रोजगार सुनिश्चित करेंगे, इसके लिए हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसमें तमाम सेक्टर देखे हैं, टूरिज्म है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, जिनमें हम रोजगार क्रिएट कर सकते हैं, उसका एक पूरा जाल पूरे मध्य प्रदेश में फैला जाएगा। पत्र में आपने एक चीज और बोली कि पूर्णतः नशाबंदी शराब को बंद कर देंगे, वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि यहाँ की जो मध्य प्रदेश की जो इनकम है वो शराब और इन सब चीजों से ज्यादा आती है। ये एक भ्रांति है, मध्य प्रदेश के 2,04,000 करोड़ के बजट में मात्र 6,000 करोड़ शराबबंदी से आता है। मध्य प्रदेश के किसी एक विभाग का भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे तो 6,000 करोड़ से ज्यादा बच जाएगा। तो ये है हमारे साथ आलोक अग्रवाल, जिनका बोलना है कि किसानों के लिए उन्हें अच्छा बजट निकाला है, शराबबंदी पूर्णतः होगी मध्य प्रदेश में, रोजगार की व्यवस्था की गई है। तो अब देखना दिलचस्प ये होगा कि मध्य प्रदेश में चुनाव किस ओर मोड़ लेता है, क्या आलोक अग्रवाल अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। महंगाई दीमक की तरह खा रही है, कभी सोचा है आपने? एक नारी अपने अरमान किसी खाली बर्तन में छुपाकर इस बढ़ती महंगाई में कैसे घर चलाती होगी, कैसे एक पिता पाई पाई जोड़कर यहाँ वहाँ से कर्ज लेकर बच्चों की शिक्षा में झोंक रहा है, कर्जदार हो रहा है, क्यों कभी सोचा है आपने? दर्द पलकों में दबाकर इलाज, समाज, रिवाज, ये सब कैसे निभा लेते हैं आप? जरा सोचिए कि ये भाजपा सरकार जिस पर आपने 15 सालों तक भरोसा किया, उसी ने आपको आज महंगाई के बोझ तले दबा दिया। बस कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री पंकज सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चर्चा के लिए। क्या है चुनावी चर्चा में हम बात करेंगे, आज ही इसका शपथ पत्र जिसको घोषणा पत्र बोला जाता है जारी हुआ है, क्या है घोषणा पत्र की खासियत, आई हम बात करते हैं पंकज सिंह से। आम आदमी पार्टी ने आज अपना शपथ पत्र जारी किया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र जारी करती है या कांग्रेस वचन पत्र जारी करती है, अपने आप को चुनाव के बाद प्रलोभन देने के बाद ये लोग पलट जाते हैं, तो आम आदमी पार्टी ने घोषणा पत्र या वचन पत्र की जगह शपथ पत्र दिया है। उसमें हमने अपने आप को कानूनी रूप से बाध्य बनाया है, उसमें हमने समाज के हर तबके को, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिलाएँ हों, बच्चे हों, या स्कूल का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, पुलिस प्रशासन का मुद्दा हो, तमाम तरह की बातें विस्तार से लिखी हैं प्रदेश की जनता के लिए। हमने ये बताया है कि इस 2,04,000 करोड़ रुपए के बजट में कैसे हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कैसे मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देंगे, यहाँ के जो बच्चे कुपोषित हैं उनका कुपोषण कैसे दूर करेंगे, साथ ही कानून व्यवस्था को कैसे दुरुस्त करेंगे, ये तमाम बातें हमने अपने शपथ पत्र पर जारी की है। और हमने ये जानबूझकर किया है ताकि कांग्रेस और भाजपा भी प्रदेश की जनता से वादा खिलाफी ना कर सके। उनसे भी हम अपील करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने जो उनका घोषणा पत्र या वचन पत्र है उसको कानूनी रूप से बाध्य बनाएं ताकि जनता मूर्ख न बने। मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर 1.5 लाख करोड़ का कर्जा है लगभग, उस कर्जे को देखते हुए जैसे आप बोल रहे हैं कि 18 घंटे किसानों को बिजली देंगे, ये छूट रहेगी, वो छूट रहेगी, तो ये 1.5 लाख करोड़ के कर्जे के बाद कैसे आप कर पाएंगे? जी सत्यम, ये कर्जा जो है तो 1,86,000 करोड़ का है, और इस कर्जे से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश का जो बजट है 2,04,000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष का बजट है, भी हमने राजीव गांधी का उदाहरण दिया, वो बोलते थे कि 101 रुपये यहाँ से निकलता है तो खाली 15 पैसे जनता के बीच में पहुँचता है, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। आम आदमी पार्टी की नीयत साफ है, हमने दिल्ली का जो बजट था, सारी सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, पानी, बिजली भी देश की सबसे सस्ती कर दी, सारी सुविधाएँ निःशुल्क करते हुए भी 32,000 करोड़ का बजट 56,000 करोड़ में पहुँचाया है। नीयत अगर साफ हो तो कर्जा भी माफ़ होगा, लोगों का, सरकार का भी
कर्जा माफ होगा, किसानों का भी होगा, जनता का भी माफ होगा और युवाओं के लिए रोजगार भी मिलेंगे, तमाम तरह की सुविधाएं भी हम देने में सक्षम होंगे। ये बजट का पूरा एनालिसिस, एक एक रुपए का एनालिसिस करके एक्सपर्ट टीम ने ये घोषणा शपथ पत्र हमारा तैयार किया है। क्योंकि मध्य प्रदेश किसानों की जगह मानी गई, तो मध्य प्रदेश में किसानों के लिए आप क्या करने वाले हैं? मध्य प्रदेश, हमने लिखा है इसमें शपथ पत्र में कि किसानों का, चाहे वो सोसाइटी का कर्जा हो, बैंक का कर्जा हो, यहाँ तक कि बिजली विभाग का जो कर्जा होगा, एक एक रुपए कर्जा माफ किया जाएगा। मध्य प्रदेश का बजट, जैसा मैं पहले भी बता रहा हूँ, 2,04,000 करोड़ रुपए का है और 40,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश का किसानों का कर्जा है, वो माफ किया जा सकता है। सारे एनालिसिस करके, आर्थिक व्यवस्था की एनालिसिस करके, यहाँ के बजट के एनालिसिस करके ही हमने शपथ पत्र में ये बातें लिखी। तो पंकज सिंह का साफ कहना है कि नियत साफ हो, मध्य प्रदेश को बढ़ाने का विकास की बात हो, तो सभी नियम कर किए जा सकते हैं, मध्य प्रदेश में विकास की धार लाई जा सकती है, किसानों को कर्जा भी माफ किया जा सकता है, बस नियत साफ होनी चाहिए। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज, भोपाल। इससे पहले आप द्वारा आदिवासियों के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया था। शपथ पत्र में गरीब परिवार को 500 में साल भर 9 गैस सिलेंडर देने, पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने, लोकपाल की नियुक्ति और दिल्ली की तरह मध्य प्रदेश में 40 सेवाएं डोर टू डोर देने की बात कही गई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। महंगाई दीमक की तरह खा रही है, कभी सोचा है आपने? एक नारी अपने अरमान किसी खाली बर्तन में छुपाकर इस बढ़ती महंगाई में कैसे घर चलाती होगी? कैसे एक पिता पाई पाई जोड़कर यहाँ वहाँ से कर्ज लेकर बच्चों की शिक्षा में झोंक रहा है, कर्जदार हो रहा है? क्यों, कभी सोचा है आपने? दर्द पलकों में दबाकर इलाज, समाज, रिवाज, ये सब कैसे निभा लेते हैं आप? जरा सोचिए कि ये भाजपा सरकार, जिस पर आपने 15 सालों तक भरोसा किया, उसी ने आपको आज महंगाई के बोझ तले दबा दिया। बस कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे, ये 15 साल पुरानी बात करेंगे। आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना, ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना, ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना, ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना, ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना, ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। दीदी, अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया, ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने, महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में, सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया, भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।